मॉर्निंग क्लास, क्लास ब्रेक, सभी बच्चे अपने इंग्लिश की बुक निकाले। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यूजेज ऑफ इज आर, यूजेज ऑफ दिस एंड दैट, दिस इज एंड दैट इज का यूज पढ़ा था। मैंने आपको बताया दिस इज का यूज होगा पास के लिए, दैट इज का यूज होगा दूर के लिए। पास में जो भी वस्तु रहेगी उसका दिस इज के लिए प्रयोग होगा, इसका क्या प्रयोग होगा, दिस इज, और दूर की वस्तु के लिए दैट इज। ठीक है, दिस इज ए बैट, दैट इज ए बॉल, बैट पास में है तो दिस इज, बॉल दूर है तो दैट इज। प्रकार मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवाए थे, अब आज हम क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ दिस आर और दोज आर। इच का प्रयोग तो एक के लिए होता है और आर का प्रयोग एक से अधिक के लिए होता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम दिस और दैट का तो एक ही वस्तु थी, तो दिस इज और दैट इज का प्रयोग कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे दिस आर और दोज आर। वस्तु के लिए बीच, व्हाट आर दीज,
देखिए दीज आर चौक्स, क्या है, बहुत सारे चौक। अब देखिए सामने व्हीकल दे रखे ना बहुत सारे। वॉट आर दोज, वह क्या है, दोज आर व्हीकल्स। ठीक है, आया समझ में दीज और दोज का उपयोग? यस या नो, दीज एंड दोज का उपयोग आया समझ में आप लोगों को? एक से अधिक पास वाली चीजों के लिए तो दीज का उपयोग करेंगे, एक से अधिक दूर वाली वस्तुओं के लिए दोज का उपयोग करेंगे।
पेड़ सबके पास में रहती है और आसपास में पेड़ भी रहते हैं, तो 2000 ट्रीज। इस प्रकार आपको 10 एग्जांपल बनाने हैं, दी जा रहे 2000 की, ठीक है। पेन आपके पास रहते हैं, दी जा पेन एंड बुक्स आपके आपसे दूर रखी है, तो 2000 बुक्स। चाय के कप पास में रहते हैं किचन में, दी जा कप और प्लेट्स दूर रखी हो आपसे किचन में, ऊपर रखी हो दूर रखी हो, तो 2000 प्लेट्स। इसी प्रकार आपको घर पर पेरेंट्स के पास बैठकर उनकी सहायता से 10 एग्जांपल बनाने हैं, ठीक है। दी जा रहे 2000।